जहां सभी लोग अपने अपने सवालों को अपने मन में लेकर बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच में एक आदमी चुपचाप से बैठा हुआ था। इस पर बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने उसी आदमी की ओर अपनी उंगली को उठाते हुए उससे अपने सवाल पूछने के लिए कहा। इस पर वो आदमी बेहद डरे हुए शब्दों में अपने सवालों को रखते हुए बुद्धिस्ट मंक टोशिन से कहने लगा, गुरुजी, अगर मैं अपना सवाल पूछूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए क्या मैं अपने सवाल को आपसे अकेले में पूछ सकता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे सवाल पूछने पर कोई मेरा मजाक उड़ाए। अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने सवाल को इन्हीं लोगों के बीच पूछो। क्या हुआ अगर लोग हंसते हैं? अगर इन सब बातों की इतनी ही परवाह है तो फिर तो कभी भी अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाओगे। इसीलिए मुझसे अपने सवाल को यहां लोगों के सामने ही पूछो। गुरुजी, मुझे कोई भी सम्मान नहीं देता, सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मेरी इज्जत कोई भी नहीं करता। मैं इस बात से बहुत परेशान हूं और मेरा मन हर बार बहुत दुखी हो जाता है। जब भी मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रखता हूं, चाहे वो दोस्त हो, सगे संबंधी हो, या मेरे अपने घर वाले या फिर कोई भी हो, मेरी बातों को कोई भी गौर से नहीं सुनता और अक्सर लोग मेरी बातों पर हंस दिया करते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सभी लोग मेरी इज्जत करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने और मेरी राय पर गौर किया करें? क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हां, बिल्कुल ऐसा संभव है। और तुम्हारी बातों पर देखो, कोई भी नहीं हंस रहा है। इसका मतलब तुम व्यर्थ ही इन बातों की चिंता करते हो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किस तरह से लोगों के बीच इज्जत, मान सम्मान मिल सकता है। बस तुम्हें मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें ना कहना सीखना होगा। अगर तुम लोगों को ना नहीं कह सकते, यानी कि उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें दुखी ना देखने के लिए ना नहीं कह सकते और उनके काम को कर देते हो या फिर अपनी स्वीकृति दे देते हो, तो ऐसे में लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाते हैं। वो तुम पर अपने काम को थोपते हुए तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। ऐसे में अगर हर समय तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो वो तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। जब भी तुम किसी भी काम को ना नहीं कह पाते या किसी भी इंसान को ना नहीं कहते हो, तो वो तुम्हारी राय को लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनकी हर बात में हां में हां मिलाओगे। इससे तुम्हारी बातों का वजन कम हो जाता है और लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ना कहना सीखना होगा। इसके अलावा तुम्हें दूसरा काम यह करना है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। जब भी तुम जरूरत से ज्यादा किसी के सामने बोलते हो या फिर बिना पूछे अपनी राय सलाह देने लगोगे, तो लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के साथ हमेशा यही होता है। जब तक लोग आपसे पूछे नहीं या फिर आपसे राय सलाह ना मांगे, या फिर कोई ऐसी बात चल रही हो जहां सभी लोग बात कर रहे हैं, वहां पर जरूरत के हिसाब से ही बोलना चाहिए। हमने इन लोगों के साथ हंसना चाहिए और घुलना मिलना चाहिए और दूसरों को भी बोलने का मौका देते हुए उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और सिर्फ खुद ही बोलते रहे, तो लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे और ऐसे उन्हीं लोगों का ध्यान हटकर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए तुम वो इंसान बन जाओगे जो बिना बात के ही हद से ज्यादा बातों को सुनाता रहता है और उनका वक्त जाया करता रहता है। जैसे तुम एक अच्छे दोस्त बनकर कभी भी अपने दोस्त का बुरा नहीं चाहते और कभी भी उसे कोई भी काम करने से नहीं रोकते, ऐसे ही तुम्हें अपने साथ भी करना होगा। तुम्हें अपने अंदर से सारे नकारात्मक विचारों को निकालते हुए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देना होगा
अपने आप को हिम्मत देनी होगी और आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से हम अपने दोस्तों को अच्छी बातें बताते हुए हिम्मत देते हैं और उनकी बुराई और उनके बारे में गलत नहीं कहते हैं, वैसे ही अपने अंदर की सारी बुरी सोच को हमेशा के लिए त्याग दो और हमेशा अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा करने पर तुम्हारे मुंह से भी अच्छी बातें ही निकलेंगी जो लोगों को पसंद आएंगी और तुम्हारे आसपास ऐसा ऑरा बन जाएगा जिसे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि तुम एक सकारात्मक इंसान की तरह उनके आसपास रहोगे। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या फिर तुम्हें कुछ गलत कहे तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखो, आपस में हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई बार बार इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो एक बार उससे कड़े शब्दों में सीधे सीधे कह देना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुमसे भी सम्मान से बात करे क्योंकि तुम उसकी इज्जत करते हो, इसीलिए उसकी बातों का सम्मान कर रहे हो। लेकिन उसके ऐसा करने पर तुम्हें दुख पहुंच रहा है, इसीलिए उसे तुम तुरंत रोक दो। ऐसा करने पर तुम उन्हें उनकी बातों के दायरे बताओगे कि उन्हें तुमसे किस तरह से बात करनी है। इसी के साथ साथ तुम जिस भी काम को करते हो उसमें मन लगाकर काम करो, उसे कभी अधूरा मत छोड़ो और साथ ही साथ हर एक दिन अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें सीखनी है उन्हें सीखते रहो। ऐसा करने पर लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे क्योंकि तुम अपने काम में एकदम माहिर हो चुके होगे। इन सब के अलावा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बार बार तुम्हें लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग बिना गलती के ही बार बार ये सोचकर माफी मांग लेते हैं कि इससे बात खत्म हो जाएगी या सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो लोग अपने साथ ही गलत कर बैठते हैं, क्योंकि फिर बिना गलती किए ही सारी गलती का बोझ उन्हीं लोगों पर डाल दिया जाता है और गलती करने वाला आराम से सिर उठाकर घूमता रहता है। इसलिए वहां पर बार बार माफी मांगना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि जहां गलत हो रहा है वहां तुम्हें आवाज उठानी चाहिए और अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह सबके सामने लाना चाहिए। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए तुम सम्मान कमा सकते हो और तुम्हें सम्मान से ही लोगों के सामने आना है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, तुम्हारे रिश्तेदार हों, तुम्हारे सगे संबंधी हों, भले ही तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। सम्मान एक बहुत बड़ा तोहफा है जो सभी के पास होना चाहिए, इसीलिए तुम सभी का सम्मान करो और लोगों को भी तुम्हारा सम्मान करने की हर मुमकिन वजह दो। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातें सुनते ही मुझे भी अपनी की गई कुछ गलतियों का एहसास हुआ जो मैंने अपने अतीत में कई बार की थी। अब भी मैं समझ रहा था कि किस तरह से लोग आपका सम्मान आपसे ही छीन लेते हैं और खुद को अच्छा बनाते हुए आपको नीचा दिखा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था, इसीलिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। लेकिन इसी के साथ उन्हीं लोगों में से बैठे हुए एक आदमी ने अपने हाथों को खड़ा किया और फिर वहीं से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछने लगा, जिसके बाद सभी की नजर उस पर टिक गई। यात्रा का यह समय अब मुझे बहुत पसंद आने लगा था। इतने सारे सवालों के साथ वहां ना जाने कितने ही लोग इकट्ठे हो चुके थे और वो एक के बाद एक अपने अपने सवाल मंक टोशिन से पूछ रहे थे कि तभी सभी लोगों के बीच बैठा हुआ आदमी खड़ा हुआ और फिर बुद्धिस्ट मंक से पूछने लगा, अगर इन बातों से सब ठीक हो जाता है तो इंसान इतनी जल्दी दुखी क्यों हो जाता है? गुरुजी, मुझे आपसे ये जानना है कि जो भी दुख मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती हैं वो सारी ही अलग होती हैं, यानी कि उन सभी के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। मुझे आपसे जानना है इन सभी दुखों और मुसीबतों से आखिर किस तरह से सामना किया जाए। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिसको हम सभी एक साथ अपनाएं और अलग अलग तरह की मुसीबतों का सामना हम आसानी से कर पाएं?
उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मानो हर कमरों में ताले लगे हों, लेकिन ये आदमी एक ही चाबी से सारे तालों को खोलना चाह रहा हो। ऐसा कैसे संभव था? कुछ उपाय हर तरह की मुसीबत और हर तरह के दुखों पर काम कर जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए मुझे लगा कि मंग टोशिन शायद इस आदमी को जवाब में ना कह देंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब उन्होंने मुस्कुराते हुए उस आदमी को यह जवाब दिया कि हाँ, इसका उपाय संभव है। ऐसी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम हर तरह के दुखों और हर तरह की मुसीबतों से आसानी से बच सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उनकी ये बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपना कैमरा किनारे पर लगाकर छोड़ दिया और मैं भी उन्हीं के पास जाकर आराम से जमीन पर बैठ गया और मंग टोशिन की बातों को सुनने लगा। मुझे तुम्हारे सवाल से बहुत खुशी हुई है। तुमने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसको जानने के बाद यहां बैठे लगभग सभी लोग अपनी जिंदगी को आसानी से, बिना किसी परेशानी से डरे हुए ही जिएंगे। अगर तुम जानना चाहते हो कि इन सारी ही परेशानी और मुसीबतों को केवल कुछ उपायों से ही कैसे दूर किया जा सकता है, तो तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। भले तुम्हें लगे कि ये बातें बहुत कठिन हैं और इन्हें मानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने आप को पूरी हिम्मत और शुद्ध विचारों के साथ इन बातों को मानने के लिए जरूर मना लेना, क्योंकि जब तक तुम अपने मन पर काबू नहीं पाओगे और खुद को यह काम करने के लिए राजी नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मन परेशानियों से लड़ने के काबिल नहीं बन पाएगा। इसीलिए मेरी बातों को अब जरा ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की थी। बुद्ध ने कहा था कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया था कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं, क्योंकि हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालत में परेशान नहीं होता है। एक बात हमें पहले समझनी होगी, आज हर इंसान किसी ना किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए बुद्ध की सीख से मदद लेकर हम अब चार बातों को सीखेंगे। नंबर एक, दुख एक बड़ा सच है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है और यह एक बड़ा सच है जिसे हमें मानना ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके उल्टा खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर दो, अब हमें दूसरी सीख को जानना चाहिए कि दुख का एक कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया था। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह वो है जिसे हम तेज इच्छा कहते हैं। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा यानी कि तेज इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है, तो हमारे दिल को अजीब परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह परेशानी ही असल में दुख का कारण होती है। इसीलिए किसी दूसरे से उम्मीद ना लगाएं और किसी भी चीज की तेज इच्छा ना करें। नंबर तीन, अब हमें तीसरी बात पर ध्यान देना है जिसमें बुद्ध ने यह बताया है कि हर एक दुख का निवारण है, यानी किसी भी तरह का दुख हो उसे दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि
हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसे खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल निकलना संभव है। और कोई भी ऐसी परेशानी इस दुनिया में है ही नहीं जिसका कोई भी उपाय ना हो। नंबर 4, अब हमें चौथी खास बात पर ध्यान देना होगा कि हर दुख का एक उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है। हर परेशानी के कारणों के उपाय भी मौजूद हमारे आसपास ही होते हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को बुद्ध के बताए गए सदमार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। गुरुजी, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। जैसे तुम्हारी भाषा में इसे दुख से दूर जाने का रास्ता कहते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, जिसमें है चार आर्य सत्य में विश्वास करना। फिर है सम्यक संकल्प, इसमें है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाक, जिसमें हानिकारक बातें और झूठ ना बोलने पर ध्यान दिया जाता है। और फिर आता है सम्यक कर्म, जिसमें पालन करना होता है कि हानिकारक कर्म ना करें। अब पांचवा आता है सम्यक जीविका, इसमें कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार ना करना जिसमें किसी का बुरा हो। फिर आता है सम्यक व्यायाम, इसमें अपने आप को सुधरने की कोशिश करनी होती है। और सातवां है सम्यक स्मृति, इसमें स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश की जाती है। और आखिरी है सम्यक समाधि, यानी कि निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है। और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर पर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मंग टोशिन की बात सुनकर आदमी अपने सवालों का जवाब पाकर बहुत संतुष्ट था, लेकिन उस आदमी के बैठते ही किसी ने मंग टोशिन से बेहद गुस्से में एक सवाल किया। उस आदमी का सवाल कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मेरा भी मन बेचैन हो उठा, और मैं भी बुद्धिस्ट मंग टोशिन से उसी सवाल के जवाब के लिए इंतजार करने लगा था। बुद्धिस्ट मंग टोशिन एक एक करके सभी के सवालों का जवाब दे रहे थे कि तभी हम सभी के बीच से एक आदमी निकल कर आया और गुस्से में मंग टोशिन से कहने लगा, गुरुजी, आप कह रहे हैं कि लोगों को धोखा नहीं करना चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए, लोगों को कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग तो ऐसा नहीं करते। वो तो धोखा देते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं और सारे ही गलत काम करते हैं, तो फिर कैसे बचा जाए? देखो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसीलिए तुम अपने गुस्से को शांत करो। हमें कोई धोखा तभी देता है जब हम धोखा खाने के लिए कोई गलती करते हैं, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, हमें कुछ गलतियों से बचना होगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। अक्सर अच्छी बातें करने वाले दोस्तों को हम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने लगते हैं और बहुत ही जल्दी उन पर भरोसा करने लगते हैं, उनके साथ अपने मन की सारी बातें बताने लगते हैं, साथ ही साथ उनकी बातों को मानने भी लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों पर जितनी जल्दी भरोसा करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी धोखा मिल सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, तो सोच समझ कर लोगों पर भरोसा करें, और अपनी निजी बातें या फिर वो बातें जिससे आपको कोई कुछ चोट पहुंचा सकता है, उन्हें किसी से भी ना कहें। इसके अलावा अपनी हर एक बात को हर किसी के सामने ना रखें, जब तक आपको भी ना लगने लगे कि सामने वाला व्यक्ति या फिर आपका दोस्त आपका सच में
कोई नुकसान नहीं करेगा और वो आपका सच्चा हितैषी है। बहुत ज्यादा सीधे ना बने कि कोई भी आपके सीधेपन का फायदा आसानी से उठा सके। आजकल तो लोग आपके सीधे होने का फायदा इतनी जल्दी उठा लेते हैं जितनी जल्दी कोई रास्ते में पड़े हुए सामान को अपना बोलकर उसे उठा लेता है। आपका सीधापन आपका वो धन है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता, बल्कि लोग इसका फायदा उठाते हैं और इसका गलत फायदा उठाते हुए वो आपको चोट पहुंचाते हैं, आपके विश्वास के साथ खेलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे पहली पहचान ही यही है कि वो आपके सीधे होने का फायदा उठाएंगे और आपको गुमराह करते हुए आपको गलत रास्ते की ओर भेजेंगे। इसीलिए उन लोगों के सामने आप ज्यादा सीधे ना बने और उन्हें ये बताएं कि आप सब कुछ समझते हैं और इसीलिए उनके झांसे में नहीं आएंगे। लोगों को अक्सर करके ऐसा लगता है कि वो धोखा करके बच जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। धोखा देना उस दोधारी तलवार को अपने हाथ में पकड़ने जैसा होता है जिससे सामने वाले को भी चोट पहुंचती है, लेकिन साथ ही अपने हाथ भी जख्मी होते हैं। और यही बात हमें समझनी है कि हमें ना तो किसी को धोखा देना है और ना ही किसी से धोखा खाने की राह देखनी है, क्योंकि धोखेबाज अक्सर आपके अपने ही होते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आपकी किसी भी बात का फायदा उठा सकते हैं। बुद्धिस्ट मंक तोशिन सभी को समझा ही रहे थे कि तभी किसी ने उनसे सवाल किया कि कोई किसी को धोखा क्यों देता है, आखिर उसे धोखा देने में क्या ही मजा आता है। इस पर मंक तोशिन ने उसे जवाब देते हुए कहा, कोई भी इंसान धोखा यूं ही नहीं देता क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है, तो चलो धोखा देते हैं। बल्कि धोखा देने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है स्वार्थ। जब आपका स्वार्थ किसी से अटका हो, यानी कि आप खुद के बारे में सोचते हुए किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपना काम निकालते हैं, तब धोखा देने का कारण आपके पास मौजूद होता है। दूसरा है लालच। लालच आपको धोखा देने पर मजबूर करने लगता है, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, तुम्हारा कोई भी मकसद हो, तुम नहीं चाहते कि तुमसे आगे कोई भी निकले, इसीलिए लालच में फंसकर तुम लोगों को धोखा देने लग जाते हो। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या, यानी कि जलन। जलन के कारण लोग दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हुए किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकते। ऐसे में इंसान अक्सर करके जाने अनजाने एक दूसरे को धोखा दे ही देता है और जलन में आते हैं, और जलन के कारण लोग एक दूसरे को हानि भी पहुंचाते हैं। इसीलिए कहता हूं, तुम्हारे सीधेपन का या तुम्हारे जल्दी भरोसा कर लेने की आदत का कोई भी फायदा उठा सकता है, इसीलिए किसी पर भी यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह कि तुम खुद को पढ़ना सीखो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसे जानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से जलन है या तुम्हारा स्वार्थ या तुम्हारा कोई लालच तुम्हें गलत दिशा में धकेल रहा है, तो तुम्हें इसे बदलना होगा। अपने मन से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो चाहिए क्या उसके लिए तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। बुद्धिस्ट मंक तोशिन के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरा मन जरा बेचैन होने लगा था, और फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर धोखेबाज लोगों को पहचानने का कोई तरीका तो होगा जिनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे आसपास ही होते हैं, और आखिर कब तक हम इनसे बचते रहेंगे। इसलिए क्या आप हमें इन धोखेबाज लोगों की निशानियों को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी निशानियों के बारे में बताता हूं ताकि तुम भी धोखेबाजों की दोधारी तलवार से बच सको। इन्हें पहचानना आसान है, बस तुम्हें नजर पैनी रखनी होगी। जो लोग तुमसे अपनी सारी बातें छुपाते हैं लेकिन तुमसे तुम्हारी सारी बातों को जानना चाहते हैं, वो लोग अक्सर दो चेहरे रखते हैं। तुम्हें उनके बारे में दूसरों से पता चलेगा,
लेकिन जब तुम उनसे पूछने जाओगे तो उनका जवाब सिर्फ इतना होगा, अरे मैं तो तुम्हें यह बताना ही भूल गया था। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो खुद को छुपा कर रखते हैं, अक्सर वही छुपकर वार भी करते हैं। इसीलिए उनकी मीठी बातों में आकर उन्हें अपना हर राज ना बताओ। बल्कि जो लोग थोड़ा कड़वा भी बोलते हैं और तुम्हारे सामने बोलते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान हमारा अपना नहीं होता उसे हमारी कोई परवाह नहीं होती। इसीलिए वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिन लोगों की जबान बेहद मीठी है लेकिन उनके शब्द पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी बातें बार बार बदलती रहती हैं और वो मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मीठी बातें करके तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं और अपनी बातों से पलट सकते हैं। धोखेबाज इंसान की एक पहचान यह भी होती है कि वो हमारे सामने तो हमारे लिए अच्छी बातें करेगा लेकिन हमारे पीठ पीछे हमेशा बुराइयां करेगा। ऐसे इंसान से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि धोखा देने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं। तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग तुमसे क्या कह रहे हैं, बल्कि तुम्हें उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज लोग अक्सर कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। ऐसे में तुम्हें सावधान रहना होगा। इसकी अगली निशानी है किसी को भी इज्जत या सम्मान ना देना। अक्सर ऐसे लोग किसी को भी इसे देने में कंजूसी करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया के लिए हर वक्त यूं ही खड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी ये लोगों की बिल्कुल भी सम्मान का नजरिया नहीं रखते। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। इसी तरह से तुम्हें अपने आसपास देखना होगा कि किन लोगों के बीच तुम उठ बैठ रहे हो और किन लोगों को तुमने अपना बना रखा है, क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा आपका अपना ही होता है। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की एक एक बात सही थी कि हमेशा इंसान एक अनजान इंसान से सतर्क रहता है लेकिन अपनों के सामने हमेशा खुलकर बात करता है। ऐसे में धोखा तो उसे अपने ही देते हैं। मंक टोशिन ने उस इंसान के भी सवाल का जवाब दे दिया था। इस पर एक व्यक्ति उनके पास खाना लेकर आया और उनके भिक्षा पात्र में खाने को रखते हुए उनसे पूछने लगा, गुरुजी इन सारी बातों को सुनकर लोगों पर से भरोसा उठने लगा है। इस तरह से तो मैं जिंदगी भर लोगों को शक की नजरों से देखता रहूंगा और मेरा मन डरता रहेगा। मैं आखिर किस तरह से लोगों पर भरोसा कर पाऊंगा? उस आदमी के सवाल का जवाब बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने बेहद खूबसूरत तरीके से दिया। जहां एक तरफ बुद्धिस्ट मंक टोशिन से लोग अपने सवालों के जवाब पा रहे थे, वहीं पर मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि ये यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होने वाली है। मैंने कुछ ही दिनों में जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ सीख लिया था और जान लिया था जितना कभी मैंने अपनी इस उम्र तक भी जिंदगी में नहीं सीखा था। ऐसा लग रहा था कि ये मेरा एक नया जन्म है और इसके बाद मैं अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाऊंगा। जहां एक तरफ मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मंक टोशिन उस आदमी के डर को समझते हुए उसे कहने लगे, अरे तुम घबराते क्यों हो? यह तो जिंदगी का एक हिस्सा है जिससे ना तो तुम बच सकते हो और ना ही इसे नजरअंदाज करके ठीक तरह से जी सकते हो। इसीलिए मन के डर को काबू में करने के लिए सबसे पहले कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जिनमें से पहला कदम यह है कि आपको अपने डर की वजह को समझना होगा। आपके डर की असली वजह क्या है, पहले इसके बारे में जानिए और इसके उपाय के बारे में सोचिए। इसके बाद अपने मन के डर को एक सकारात्मक विचार में बदलना होगा। यह डर जिस भी वजह से है, आप उस डर के अलावा जो भी सकारात्मक सोच अपने मन में लाइए और वो सकारात्मक सोच ही आपको उस डर से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। डर सिर्फ मन के अंदर आने वाला एक छोटा सा भाव है। इसके अलावा हर डर का एक इलाज है और आपकी एक अच्छी और सकारात्मक सोच ही आपको हर तरह के डर और हर तरह की परेशानी से बाहर निकाल सकती है।
और अगर तुम्हें अपने मन के डर को काबू करना है तो तुम्हें सबसे पहले बीती हुई बातों को भूलना होगा, क्योंकि अक्सर मन के डर की सबसे पहली वजह यही होती है कि आप बीत चुकी बातों के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं और फिर वही बात आपके मन में हमेशा के लिए घर कर जाती है। ये डर एक घाव की तरह है जिसे याद करते ही उसे हर बार अपने नाखूनों से खरोचते हैं और वो डर भरा घाव वापस से हरा हो जाता है। इसीलिए अपने अतीत से जुड़ी हुई बातों को दिल में ना रखें और उसे भूलने की कोशिश करें। गुरुजी, डर पर काबू पाने के आसान तरीके नहीं है। डर कर जीते रहने से तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा ना। हाँ, सही कहा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डर पर काबू पाने के 6 आसान तरीके क्या हैं। देखो, जो भावनाएं इंसान को डराती हैं उनसे बचने की कोशिश करना इंसान का स्वभाव है। कौन जानबूझकर दर्द भरे अनुभवों से गुजरना चाहता है, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो भीतर छिपे डर की ओर देखना ही नहीं चाहते। ऐसा लंबे समय तक करने से डर मन के भीतर घर बना लेता है। कोई भी इंसान डर से हमेशा के लिए छिप नहीं सकता है। इंसान खुद को डर से कितना भी दूर रखना चाहे इसके लिए वो कोई भी प्रयास क्यों ना करे, लेकिन मन के भीतर छिपा डर ठीक उसी समय निकलकर बाहर आ जाता है जब उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसका सामना किया जाए। जैसे ही इंसान डर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, डर का भूत आपके दिमाग के खास हिस्से पर जोर करना बंद कर देता है। वो इंसान की भावनाओं और फैसलों पर काबू करने की अपनी क्षमता को खो बैठता है। इसीलिए रोज डर का सामना करें। रोज 2-3 मिनट तक डर के सामने शांति से बैठें, लंबी गहरी सांस लें और बार बार खुद से कहें, सब ठीक है। अरे गुरुजी, ये तो सुनने में बच्चों जैसी हरकतें लगती हैं। हाँ, ये सुनने में बच्चों जैसी हरकत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये काम करता है। इंसान की भावनाओं में समुद्र की तरह ज्वार भाटा आना सामान्य बात है। पहली बार ऐसा करते समय कई लोगों को अजीब से अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे आपको लग सकता है कि ये 2-3 मिनट खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। बार बार आपको उलझन हो सकती है, हाथ पैर में पसीना आना, चक्कर आना, गला सूखना भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप जान जाएंगे कि डर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। इसके अलावा अपनी भावनाओं को लिखने की कोशिश करें। कुछ लोगों को किसी जगह पर जाने से डर लगता है। जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर जाना या किसी का सामना करना बुरा लगता है तो उसको कहीं लिख लें। बाद में तसल्ली से बैठकर उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। आपको महसूस होगा कि वो तो डर की कोई वजह असल में थी ही नहीं। और यकीन मानिए ऐसा जरूर होगा। अपने खौफ को खुद पर हावी ना होने दें। इसीलिए खुद को बार बार यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि डर दिमाग के दरवाजे पर लटकता हुआ ताला है। ये ताला दिमाग पर लगने के बाद सोचने समझने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए खुद को अपने हर डर से ऊपर रखो और अपने मन को अच्छी यादें दो जिससे डर तुम्हें घेरे ना। कुछ व्यायाम और वर्जिश करने से भी शरीर को नई ताकत मिलती है और दिमाग में भी नई ऊर्जा आती है। इससे हमारा खोया हुआ ध्यान वापस हासिल करने में मदद मिलती है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है, इसीलिए व्यायाम किसी भी तरह से किया जा सकता है। ये वापस भावनाओं को मजबूत करके ज्यादा ताकतवर बनाती है। डर से लड़ने के लिए कुछ हंसी मजाक या अच्छा देखना शुरू कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ बुरे तजुर्बे होते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनसे डर कर रहा जाए। यह भी तो सोचिए कि जो बातें एक इंसान को डराती हैं वही दूसरों को नहीं डराती हैं।
लेकिन कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, तो कुछ लोगों को इस बात से डर लगता है कि वहां मौजूद लोग क्या कहेंगे। इन सारे डरों से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ अच्छा सोचें या किताबों को पढ़ो। खुलकर ठहाके लगाना हर दर्द की कारगर दवा है, इसीलिए हंसी मजाक करते रहिए। हिम्मत के लिए अपनी तारीफ करें। समस्या से परेशान इंसान कई बार इन उपायों को खुद पर लागू नहीं कर पाता है। अपने डर का सामना करना कोई छोटी बात तो नहीं, लेकिन यह हिम्मत दिखानी ही पड़ती है। इसीलिए हमेशा हिम्मत कीजिए और अपनी हिम्मत की तारीफ भी कीजिए, तो आप समझे कि अपने मन के डर को कैसे काबू करना है। जब भी कभी ऐसा काम करना पड़े जिससे आपको डर लगता है, तो खुलकर वही काम कीजिए। गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं, खुद की तारीफ कीजिए, क्योंकि आपने उस काम को करने की कोशिश की है। मैंने मंक टोशन से यह सीखा कि गलती करना गलत नहीं होता है, गलत होता है उस गलती से सीख न लेना। इंसान के जीवन का निर्माण असल में गलतियों से सीख कर ही होता है। अगर इसी भावना के साथ जीवन को जिया जाए तो आप पाएंगे कि कुछ ही समय में हर नेगेटिव भावना जीवन को छोड़कर जा चुकी होगी। मेरा मन शांत था, लेकिन वहां कोई ऐसा था जो नम आंखों से बुद्धिस्ट मंक टोशन को देख रहा था और बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था।